नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। जी आज बांस बल्ली लेकर आप यहाँ खड़े हैं नगर पंचायती गाड़ी लेके, क्या कोई मामला है यहाँ पर? सुनने में आया था कि सत्तार सेठ को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसी के लिए प्रशासन से आदेश था बैरिकेडिंग के लिए। आपके टर्निया से आर्डर हुआ है बांस बल्ली लेके बैरिकेडिंग कीजिए। तो ये सत्तार सेठ वार्ड नंबर 10 सुकराई बाजार भारतगंज। जी इसके बारे में यहाँ पे क्वारंटीन हो रहा है किसका? हमारे पड़ोसी है सत्तार सेठ का। अच्छा, क्यों क्वारंटीन किया जा रहा है? अब उनको उनका पॉजिटिव आया है। अच्छा अच्छा, तो क्या चेक कराने गए थे क्या वो? हाँ चेक कराने गए थे तो उनका पॉजिटिव निकला है, इसीलिए सील कर रहे हैं। जी आपके पड़ोसी हैं? जी। आपका परिचय क्या है? सतीश केसरी। पूरा पता क्या है यहाँ का? सतीश केसरी शुक्रवारी बाजार वार्ड नंबर 10। जी जैसा कि आप बता रहे हैं आपके पड़ोसी हैं, आप दिख रहे हैं टाउन एरिया के सफाई नायक, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी कब हुई? जी हमको ये जानकारी 4 बजे मिला है। 4 बजे? जी। तो ईओ के माध्यम से? जी। तो क्या आपको आदेश मिला इसके लिए? हमारे ये नगर पंचायत भाई बोले, हमारे ये साहब बोले कि जाके वहाँ पे पांच बल्ली बनवाओ। तो हमने यहाँ पे आया हूँ बनवाने के लिए वार्ड नंबर 10 शुक्रवारी बाजार। और हमारे सत्तार भाई है, उनको कहना से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी जैसे कि ये घर ही थे कि प्रदेश में थे, इनको हो गया? नहीं नहीं घर पे ही थे। घर पे रह के हो गया? गए थे कहीं अपना चेक कराने गए वहाँ आ गया पॉजिटिव आ गया। अच्छा सर, जी कुछ कहना चाह रहे थे और आप? यहाँ अब एक जगह से पॉजिटिव निकला है और एक जगह से निगेटिव निकल रहा है। यानी आज के दिन उन्होंने चेक करा था क्या? हाँ आज इलाहाबाद चेक कराए स्वरूप रानी से, उसमें निगेटिव निकल रहा है। अच्छा, उसके कितने दिन पहले पॉजिटिव बता रहा था ये? कल जो है बनारस में जांच करवाए तो वहाँ तो बता रहे कि पॉजिटिव निकला है। जी तो जैसा कि आप यहाँ खड़े हैं, क्या इसकी जानकारी ईओ साहब को नहीं हुई थी क्या? जी जी हमको जानकारी नहीं है, हमारे ये सर ये बोले कि उनको नेगेटिव है, बांसवल्ली वहाँ करवाए थे, नहीं आया यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो बांसवल्ली से इनके घर तक लगेगा कि और दूर तक? इनके घर तक, और बोले कि मतलब कि पाँच मीटर दोनों तरफ बांध देगा। 5 मीटर दोनों तरफ बांसवल्ली लगाने के लिए बोले हैं। कोटेदार कमरुद्दीन से जानते हैं क्या है यहाँ की हकीकत। जानकारी हुआ क्या हुआ है? अब जैसे अभी कल जो है थाना बांडा के अंदर इंस्पेक्टर को सर्दी जुकाम का नहीं था, लेकिन उनको भी लक्षण कोरोना का मिल गया। जी उसी तरह ये सब दुबई जाने वाले थे। जी बनारस में इनको कोरोना पॉजिटिव हो गया टेस्ट में, इलाहाबाद आपका स्वरूप रोनी ने निगेटिव दे दिया आज। तो अब क्या कहा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इलाहाबाद में निगेटिव रिपोर्ट आ गई है, फिर भी ये बांस बल्ली का जो प्रकरण चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? अब ये तो शासन सत्ता की बात है, इस पर हम कुछ नहीं बोलते। जी सर कुछ नहीं कह सकते? नहीं। तो क्या आपके सामने कभी उनको ऐसा दिखा था लक्षण जिनको रिपोर्ट आया है निगेटिव या पॉजिटिव वाला? अरे हम तो लाखों के बीच में कह दें, आप मीडिया के आदमी है, आपको भी हम कह दें कि निगेटिव है, अरे पॉजिटिव है, ये कहने से होता है क्या? और क्या, स्वस्थ आदमी जिसको सर्दी जुकाम बुखार न हो, दिन भर धूप में अपने बाउंड्री में रहता हो, उसको अगर हो गया तो कौन बहुत बड़ी बात। प्रदेश या विदेश जहाँ भी हो रहते हैं अगर, तो क्या कल ही आए थे क्या, कब आए थे? तो कहने कब का आए ना, आज का आई है ना। तो ये रिपोर्ट जो पॉजिटिव आया उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? अरे सब तो फालतू जा रहा है, मेरे समझ में। जी आप क्या करना चाहेंगे भाई? खास साहब कहा ना, बता ही नहीं रहा है। आप इस तरह पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, तो आपको क्या सोच इस पे भाई? अगर निकाल नहीं तो क्या कर दूंगा? हालांकि ऐसा कुछ लक्षण नहीं है उनके, जो ये सब जब ओरोना कोरोना ना रहो उसे कहीं कितना रोज पहले की ही जगह है। हर खबर से अवगत रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज चैनल और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।